अभी में तमाम जो भर्तियां कल सीएमओ में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव साहब से वार्ता हुई थी, क्योंकि कई मुद्दों के लेकर जो हमारे लखनऊ समझौता हुआ था, पहले समझौता हुआ था, कई भर्तियों को लेकर मैं नाराजगी की सरकार से लगातार जारी थी और विरोध हमारा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 की जो नियुक्ति प्रक्रिया, मुख्यमंत्री जी की दो बार आदेश होने के बावजूद, मुख्यमंत्री जी ने 5 मार्च 2019 को आदेश किए, फिर 24 जून 2021 को आदेश किए, वो उसके बावजूद भी, उनके कहने के बावजूद भी अभी भर्ती प्रक्रिया लंबित है। बड़ा दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी चाहता है और अधिकारी नहीं करे, समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। दोबारा घोषणा होने के बावजूद भी 2013 पंचायत राज एलडीसी भर्ती आज भी लंबित है। कल बात हुई, कल बहुत देर तक बात हुई संबंध में, कल हमारा प्रतिनिधिमंडल मौजूद था, मैं खुद मौजूद था, तो वहां तमाम यानी कि दो आईएएस अधिकारी थे, प्रमुख सचिव साहब थे, एक आरएस अधिकारी थे, उनके सामने बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने एडवोकेट जनरल साहब को बुलाकर तमाम जो डीओपी है, पंचायत राज विभाग के तमाम लोग बैठकर, दो दिन पहले उन्होंने मीटिंग की थी और बोले कि 2-3 घंटे तक हमारी इस पे चर्चा हुई, तो उन्होंने दो रास्ते बताए, दो रास्ते अलग अलग बताए, मैं यहां तो इसलिए नहीं बता सकता। उन्होंने कहा कि हम भर्ती करने की मंशा रखते हैं, लेकिन दो तरीके बताए उन्होंने, कारण बताए, इस कारण से भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है, एजी साहब ने सारे दस्तावेज वापस मांगे हैं, उनसे लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, लेकिन दो रास्ते बताए, उन दो रास्तों के दौरान के माध्यम से यह भर्ती हो सकती है। उन्होंने दो रास्ते बताए, उन्होंने मना नहीं किया अभी तक, उन्होंने दो रास्ते बताए कि यह भर्ती हम कैसे करें, कुछ कारण भी बताए थे, क्योंकि साथियों गुस्सा मुझे भी है, दुख मुझे भी है, उन्होंने कमिटमेंट किया था, समझौता किया था, लेकिन मजबूरी क्या होती है, इस भर्ती को करवाने के लिए कई बार दो कदम पीछे भी आना इसलिए पड़ता कि भर्ती करवानी आप लोगों को न्याय मिले। बिगाड़ना आसान है, बनाना मुश्किल है, क्योंकि हमें उन लोगों को न्याय दिलाना है जो पिछले 9-10 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने दो कारण बताए थे, एजी साहब ने फाइनल एक बार सारे, उन्होंने इस भर्ती से जुड़े सारे दस्तावेज मांगे हैं, तो वो एक बार वो कहा है कि एक बार एजी साहब इसमें फाइनल एक बार और लीगल ओपिनियन दे दें। उन्होंने दो रास्ते बताए थे, यदि दूसरा रास्ता मैं जो इस भर्ती से संबंधित जो जितने हैं प्रतिनिधिमंडल है वो मुझसे मिलेंगे, तो जो मुझे रास्ता बताए मैं उनको बता दूंगा, और उस माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूंगा जो इस भर्ती से जुड़े अलग अलग 3-4 ग्रुप है वो एक बार जरूर मिले, कि हम सबको मिलकर पूरी रणनीति के साथ, क्योंकि सबकी निगाह, जैसे मेरा लाइव है सब लोग देख रहे हैं, सबकी निगाह जब कोई भी डेलीगेशन जाता किसी अधिकारी से, मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से मिलता है, तो वो इंतजार करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, अधिकारी ने क्या कहा, वो उस खुशी के इंतजार में इंतजार करता है कि यार मुझे आज कुछ ना कुछ खुशी खबरी मिलेगी, तो शाम को अधास हो जाता है। तो साथियों मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि मैं हूं चाहे आप हो, आप एक बार मिलिए, अपन मिलजुल कर एक बार फिर रणनीति बनाते हैं, क्योंकि ये भर्ती को तो नहीं छोड़ेंगे, भर्ती तो पूरी करवा करेंगे, जब मुख्यमंत्री जी ने दो बार घोषणा कर दी तो भर्ती को तो हम लेकर रहेंगे, इसके लिए चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े हम हार नहीं मानेंगे, नहीं झुकेंगे, बस कई बार लिबरली और पीछे इसलिए होना पड़ता है क्योंकि भर्ती करवानी है। लेकिन यह जरूर है कि जब कमेंटमेंट सरकार ने किया तो कमेंटमेंट सरकार को पूरा करना होगा, इसके लिए अंतिम क्षण तक हम संघर्ष करेंगे, लेकिन उन्होंने दो रास्ता बताया, उस रास्ते को लेकर हम एक बार हम सब मिलकर चर्चा करेंगे, फिर उनको कहेंगे कि हाँ आप सपोर्ट करिए ऐसे करिए। तो इसलिए कई लोग हताश हो गए कि कई लोग ग्रुपों में डाल लेंगे भर्ती नहीं होगी, मना कर दिया, किसी ने ये कमेंट कर दिया, उसका जवाब नहीं दिया, मेरे पास कमेंट का जवाब देने का समय नहीं है, मेरे पास समय इसलिए कि हाँ इस भर्ती को कैसे करवाई जाए, हम जो प्रयास किए मान लो वो प्रयास विफल हुए तो अब दोबारा किस तरीके से प्रयास करें, दोबारा कैसे संघर्ष करें और कितनी जल्दी करवाए, कैसे करवाए, वो रास्ता ढूंढने के लिए मेरे पास समय है, उसके लिए भर्ती की करवाने के लिए, उसके लिए प्रयास करने के लिए समय, मैं उसके लिए अलग रणनीति में जुट गया हूं। ऐसा नहीं कि मैं हताश हो गया कि यार उन्होंने कह दिया कि ये कानूनी अड़चन आ गई हम दूसरे रास्ते से करेंगे, तो मैं हताश होने वाला नहीं हूं, मैं एक कदम पीछे लेकर आगे के सोचता हूं कि हाँ मुझे इसको इस तरीके से करवाना, तो मैं हताश और हार मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि उन लोगों की जो आशा है मैं लगातार देखता हूं, लगातार ये कहते हैं कि बड़ी आशा है, तो मैं आपकी आशाओं पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा, तो आपके जो डेलीगेशन के लोग मुझसे मिले हम मिलकर एक बार फिर प्रयास करेंगे और इसमें सफल होंगे। समय लग रहा है मुझे पता, लेकिन गुस्सा तेज है, मैं कई बार आपके साथियों के सामने अधिकारियों से लड़ा भी हूं, आपके सामने वहां झगड़ा भी, लेकिन कई चीजें होती है कि हाँ इस भर्ती को करवाना तो कई बार पीछे भी आना पड़ता, लेकिन इतना कह सकता हूं मैं इसके लिए पूरी ताकत लगा रहा हूं, आपके भर्ती मुझसे जरूर मिले और एक बार फिर मिलकर जो दो रास्ते बताए उस रास्ते से करवाने की कोशिश करेंगे।